हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आज इसको देख रहा हूँ, रिमोरा का ब्लॉग है, बीइंग इन रिलेशनशिप फॉर 24 आवर्स। अब पता नहीं क्या होने वाला, ये डिफरेंट लेके आते हैं, कोई ना कोई डिफरेंट फन वाली चीज होती है। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो क्या पता भैया सिंगल से मिंगल। मिंगल होने का वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, हाय, ताकि आप फैमिली okay. इन दोनों नमूनों ने मुझे दिया है चैलेंज कि मैं बनके दिखाऊं बॉयफ्रेंड फॉर 24 आवर्स और दिखाऊं कि कितना टैलेंटेड बॉयफ्रेंड आई एम। ब्रो आपको चैलेंज देता हूं, आप 5 मिनट के लिए बनके दिखा दो, मैं मान लूंगा। फैमिली भैया को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मतलब जीरो एक्सपीरियंस। मतलब 28 आपने ब्रो, ये दोनों कैसे जानते हैं? क्या क्या लाइक जीरो एक्सपीरियंस? नहीं, 28 इयर्स मैंने अपने आप को पहले मेंटली इतना मैच्योर किया कि जब लड़की सामने आए तो मैं बड़ा टाइम लगा यार। फैमिली मुझे लगता डूड कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनको। फैमिली दीक्षा बोल गया बटन से, क्या पॉज बटन से बैटरी खत्म। और अगर मैंने 24 आवर्स तक उस लड़की के साथ मैंने 24 आवर्स बिता लिए और उस लड़की ने मुझे हाँ कर दी कि अगली बार भी मेरे साथ जाएगी, तो फिर आपका भाई हो गया मिंगल। मैं चाहूं कब तेरा हो जाऊं। अच्छा सॉन्ग। बनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है हैपन, लेकिन जो लड़की आ रही है वो हैपन से नहीं आ रही, वो मेरी रिक्वेस्ट करने से आ रही okay. है। अरे दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना, कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। अच्छा, और ये मुझे अब बता रही है। मस्ती प्रोफाइल पिक्चर okay, यार खुद को सर्टिफाई भी कर सकते हो, ताकि आपकी प्रोफाइल एकदम जेन्युइन दिखे। मतलब अगर मैं यहाँ से लाइक करूँ और उधर से वो भी मुझे लाइक कर दे, इट मींस शी इज माय न्यू क्रश। फैमिली ड्यूड का प्यार जड़ी बूटी की तरह है, मतलब कहीं भी उग जाता है। यू शट अप ब्रो, आप टेक्स्ट कर सकते हो और वीडियो कॉल भी। जड़ी बूटी की तरह मेरा एक तरफा प्यार इज नो लॉन्गर एक। आए आए आए, अच्छा यार एड्स है इसको, तो मतलब स्किप करने का भी दिल नहीं करता, लाइक उनका फन है उसमें भी कर जाते हैं। मेरे पीछे पीछे आओ, दिखाता हूँ कैसे बनता हो आपका मुंडा बॉयफ्रेंड। चलो जी, फैमिली री भैया को मौका देने के लिए आ रही है रिचा। ये बनने वाली है गर्लफ्रेंड, वो भी हमारे प्यारे री भैया की। ये क्या गंदी सी मेरी फोटो लगाई है यार, वो लड़की इतनी सुंदर लग रही, मेरी गंजे वाली फोटो मिली थी तुम्हें। ब्रो शक्ल तो आपकी है। अबे शक्ल मेरी कम से कम थोड़ा सा यार हीरो टाइप दिखूं तो सही। चलो ठीक है, दिखना चाहिए। अच्छा लग रहा है, नहीं कि मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आई एम अ बॉयफ्रेंड मटेरियल। हाँ तो कब मिलते हैं, मैं बोलूं इथे आओ जब फी पा। और वैसे बता दे हम लोग आए हैं चंडीगढ़ में, सो रिचा जो है इनको मैंने डीएम किया इंस्टाग्राम में, मुझे काफी अच्छी दिखी थी, तो पूछ लेते हैं कि शी इज इंटरेस्टेड, तो शी सेड या व्हाई नॉट। नहीं उन्होंने पहले नो बोला था, फिर भैया पूरी रात प्लीज प्लीज दीदी प्लीज कर लो ऐसे। दीदी पिंक में, सो फैमिली ये क्या लग रहा है, आप जितना तंग कर पाओगे ना, लेकिन उतना अच्छा होने वाला। उंगलियों पे निशाना है, इसी को इंप्रेस मी। भैया अभी ना ट्राई करेंगे यू नो, आपसे एकदम काइंड बनेंगे, मतलब आपको कहेंगे कि आप क्या, सो यू जस्ट नीड टू बी लाइक, अगर ये होगी काइंड लाइक वो पिघल गई तो नमस्ते जी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट मैंने बहुत चीजें प्लान की हुई है रिचा आपके लिए। व्हाट डू थिंक कि मैं कहां तक मैं एक्चुअली मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लाइक
बड़े फैल जाते हैं मेरे घर वाले। okay, okay. तो हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या लगता है कि मैं कब तक ये सर्वाइव कर सकता हूँ? एनी रफ आइडिया क्या लगता है? जस्ट ट्राई ना, अभी हिट ऑन मी और समथिंग लाइक दैट। बड़ी हिट ऑन यू यार, एक सेकंड हिट ऑन यू मतलब थोड़ा योर फ्लो तो आगे नहीं कर पा रहा। ये कैमरा साथ साथ रहेगा, तो साथ में रहेगा ना ब्रो, मतलब कि हमें पता तो लगेगा। खुद पकड़ ले यार, घर वाले कौन लेके आता है साथ में यार? तुम यार आप इमेजिन करो स्ट्रेंजर्स है आपके लिए, वो अब अपना एंजॉय करो यार। साले तेरी टर्न आने दे, फिर बताऊंगा मैं। मैं देख भी नहीं पा रही ऋचा की तरफ। हाय ऋषि। हाय ऋचा, पहले तो यू कैन टेल मी हाउ डू आई लुक? ओह यू लुक फैंटास्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल पिंक कलर इज माय लकी कलर। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूं, कभी किसी गर्ल से मिलो तो उसको कॉम्प्लीमेंट दो, हाउ इज शी लुकिंग? यू डिडंट टेल मी एनीथिंग, यू वर गेटिंग नर्वस। सो यार खत्म हो चुका है घर में रह रहे करना, खुद घर वालों को देख देख कर ही, मतलब मेरे लिए वही मेरी दुनिया भी हो सकता है। बट ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी? नहीं, तुम देख तो पानी रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन होगी? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे अभी। कोई टॉपिक ही नहीं है यार। हाँ मैं बता, मेरे पास एक आइडिया है, मैं कह रहा हूँ आप अपना फोन निकाल लो, मैं अपना चैट कर लेते हैं। सोच सोच के बंदा कर सकता है। ये भी है आइडिया। मैं कहता हूँ दीक्षा, डूड को फोन कर, उनको दूसरी गाड़ी में। आई फील लाइक भैया ने सिर्फ यार, आप बताओ फैमिली आपका भी डेट पे जाओगे, सिर्फ आप एक जूस सा पिला दोगे बस, और वो भी पिया नहीं, वो भी टेक अवे करके लगे, लड़की पटा लेनी है वो स्पीकर लगा हुआ है। मैं इनको ठंड से बचाने के लिए कम से कम इनके आगे खड़ा हो सकता हूँ ऐसे करके, ताकि हवा उड़ी नहीं देरी। How about this? ठीक है कि नहीं? That's what gonna happen. Oh damn. मेरे पहले प्यार वाली ये कहानी है, मुझे बतानी है, सुनानी है, ऐसे गाने में बताने में आसानी है। वो देखा पहली बार जाना है सनम, किया मुझको दीवाना है सनम, दिल में कुछ कुछ होता है ये तुम तो न जानो ओ सनम। बट ये भगवान चाहता था कि एक ही आइसक्रीम रह जाए ताकि हम लोग शेयर कर सके, प्यार बढ़े, जो अगर हो तो बढ़े। आवे 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 यारा, स्मार्ट है। आवे 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 यारा, कुछ ता कह जावे। वो माल तो नहीं है जिसमें इसने लाइक हाई हील पहन के अच्छा, और ऋचा और ये है ना, मेरे प्लान्स है कि मैं घर लेके जाके इनको नेटफ्लिक्स भी दिखाऊंगा। नहीं 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 यार, मैं आज बहुत ज्यादा झेल ली, तुम इससे ज्यादा नहीं मैं झेल सकती सुबह से। अब मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना है क्योंकि हम कल भी मिल रहे हैं ना सुबह, मेरे को लगा था साथ में आ रहे होंगे, आप नेटफ्लिक्स देखेंगे उसके बाद फिर सुबह उठ के कल झेलूंगी तुम्हें। कल कितने बजे? 24 आवर्स है लेकिन फैमिली लास्ट तक बने रहे। 24 आवर्स में पूरे करूंगी लेकिन आज इतना इनको झेल लिया उसके लिए मुझे थोड़ा सा चलो रेस्ट चाहिए। इतनी इनको वो देनी पड़ेगी प्राइवेसी, ये अपना जाके सो सकते हैं एट नाइट।
कॉल ना कर दे। यू लिटरली डिसअपॉइंटेड मी लाइक आई वाज नहीं यार उसने एंजॉय किया अपने साथ से सब फनी बॉयफ्रेंड नहीं मैं एग्री मैं जी के साथ बोला कि यू नो वो कल मिलेगी देखो मुझे लगता है कि ना यू नो शी डम्प्ड भैया मतलब कि कल नहीं मिलने वाली वो ऐसे ना हाँ हाँ करके लगी था नहीं छुटवा रहा ऐसे कोई ना मिला कल सुबह मिलेंगे एंड देन फिर कभी फोन नहीं उठाना फिर कभी रिप्लाई नहीं करना नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा पलट के मेरे पास आई ना तो शाहरुख की तरह ऐसे करूंगा और तू बोलना जा 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 कबूतर वो पलट के क्यों आएगी सीधा आएगी ना अगर वो उधर खड़ी होगी मैं उसके पीछे खड़ा हो गया यही यही कमी रही थी खत्म हो गया टाटा हो गया we had fun today yeah I saw the fun okay I saw उसके बाद इतना फैमिली फोर हो गया मैं उधर से चली गई मॉल में घूमते रहे कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए जो 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 चीज पक्की अभी है ही नहीं उस पे इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा ये भी है नेक्स्ट डे आएगी बंदी आएगी और रिचा जी को मैं मिलने जा रहा हूँ अब से रिचा जी नहीं अब से रिचा बेब हाय रिचा हाय तो हियर शी इज बेब आई मिस यू यू नो सारी रात मैं सो नहीं पाया गैस व्हाई गैस हो गई थी सॉरी ये बातें नहीं करनी थी खा लिया एक बात बता दूं कि हम दोनों ने ट्रेनिंग की है इसका कोई प्लान नहीं था मैं और रिचा यहाँ से चल के आएंगे इनको वैसी पिक्चर लेनी है जैसे वो हर कपल की होती है ना फॉरेन में वो ऐसे चल रहे छुप के चल रहे होते कम से कम पता तो लगे कि भाई की बंदी है मैं डाल दूंगी फिर डाल दे हमें क्या फर्क पड़ता है आपको नहीं डाल मीडिया पे हरी जगह बात फैल जाएगी यार डाल दो अच्छा कर भी रहे हैं वैसे बहुत मुश्किल है मैंने भी एंजॉय किया इसमें चलो इधर क्या कर रहे हो अच्छा पहना हुआ है ना यार एक सेकंड रुक जाओ क्या चाहिए और कैसे हो यार इतनी बेशरम पीछे पीछे दूसरी बोट लेकर आ रहे हैं बताओ प्राइवेसी है कि नहीं प्राइवेसी मैंने अभी तो बोला कि यार बहन भाइयों के साथ प्राइवेसी का कोई मतलब नाम और निशान नहीं रहता ऐसे ही कोई थैंक यू फॉर गिविंग मी माय प्राइवेसी थैंक यू सो मच कि जो भी लोग अगर आप सोच रहे हो कि आप सिंगल मिंगल हो चुके हो वोटिंग के लिए मत आना या वुड यू लाइक टू गो ऑन डेट विद मी अगेन Like on a date, we can hang out like together as friends because yeah, तुमसे ना friendly vibes आती हैं, तुमसे वो boyfriend वाली vibes ही नहीं आती। Don't think मैंने friend zone कर दिया, मतलब friend zone ही कर दिया, but कितना गहराई है? सारा कुछ कर लिया, बस। मेरे भाई बहन के सामने बोल देना कि yes I will date you, please. इज्जत रख लेना तो घर तक मेरी इज्जत बने फैमिली इसी तरीके से खत्म होता है मेरा 24 आवर वाला चैलेंज और मैंने बहुत ही अच्छे से किया है एंड शी वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू डेट मी अगेन कैसा लगा कुछ भी मैंने कब कहा नहीं कर गई सो शी सेड कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल कम वी विल डेफिनेटली हैंग आउट मोर डेट भी बोला था नहीं यार बंदा तो अच्छा है रिजेक्ट कैसे नहीं ना नहीं ब्रो मुझे इनकी कंपनी ज्यादा अच्छी लगी ओह माय गॉड थैंक यू मैं खुद रानू ड्यूड की गर्लफ्रेंड ना फ्रेंड ज्यादा अच्छे हो नहीं पर आपको लगता भैया ये वहां गए रोमांटिक नहीं है यार रोमांसी तो हर चीज नहीं होता अगर लोगों इतना बड़ी बात है यही है यार बंदे को ऐसे ही होना चाहिए फन होना चाहिए लाइक रोमांस तो लिमिटेड होता है ना ऐसे जैसे प्राइवेट में तो मैं बात करता हूँ ना और तू संजय ही करना है दीक्षा कर वाह यार देखेंगे लाजमी देखेंगे यार क्या मैं पहले मिस कर जाता हूँ एंड है कोई सीन है कि नहीं है बट वीडियो मजे की थी बट मैं यही कहूंगा कि लाइक रोमांटिक जब उन्होंने लास्ट पे कहा ना कि रोमांटिक नहीं है तो लाइक मेरे ख्याल से 24 घंटे गुजारने थे बंदे को 24 घंटे में कैसे बंदा रोमांस पे रह सकता है ये मुझे नहीं समझ आई तो वीडियो मजे की थी होप सालों की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़